Dear students, in the previous class, we were discussing about the magnetic effect of electric current, where we discussed something about the magnet, their poles. Today we will learn, this is lecture number 2, and that was, the previous lecture was lecture number 1 for this chapter, magnetic effect of electric current. Today we will learn about the magnetic field and field lines. Magnetic field. What is magnetic field? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश हम करते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन आपको हम बताते हैं. ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसमें दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये एक दूसरे मैग्नेट को जहां तक अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उस एरिया को जहां तक इसकी क्षमता है अट्रैक्शन और रिपल्शन का, जहां तक इसके फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं, उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को जहां तक यह अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, जहां तक यह फोर्स लगा सकता है उस पर, उसको हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि ये मैग्नेट इतने दूर तक किसी छोटे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इसलिए ये जो फील्ड हुआ इसको हम इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. चलिए अब इसके डेफिनेशन पर बात करते हैं. अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट can be felt is called its magnetic field. Magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity because it has magnitude and direction. Both magnetic field is a vector quantity. Magnetic field vector quantity है क्योंकि इसके पास magnitude और direction दोनों होते हैं, इसलिए magnetic field एक vector quantity है. प्रिय बच्चों, ये एक बार magnet है, बार magnet जो हम पहले बताए हैं. इसका ये north pole है और ये साउथ पोल है. चूंकि यहां दिखते तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए नॉर्थ पोल को इधर लिख दिए, साउथ पोल को हम इधर लिख दिए. इसका मतलब है कि यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है. ये फील्ड लाइंस हैं और ये जितने दूर तक इस एरिया को घेरे हुए है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया. और ये जो लाइन्स है इसको फील्ड लाइन्स भी बोल सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बोला जाता है. अक्सर हम लोग बोल देते हैं फील्ड लाइन, सही है, फील्ड लाइन भी सही है. और मैग्नेटिक फील्ड ये जितने दूर तक ये पड़ रहा है, इसका क्षेत्र जहां तक फील्ड लाइन चक्कर लगा रहा है चारों तरफ मैग्नेट को, इसका हम लोग इसको फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. और ये जो एक एक लाइन है इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. एक चीज ध्यान देने की बात है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में समाता है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ये याद रखने की बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ प्रवेश करता है। ये डायरेक्शन कब है? नॉर्थ टू साउथ कब है? आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे वो मैग्नेट के अंदर इन करता है, ये साउथ पोल है, यहां से इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ। याद रखने की बात है, ये साउथ टू नॉर्थ इसका डायरेक्शन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ आता है मैग्नेट के बाहर। ये सारे लाइन मैग्नेट के बाहर है, हमारा मैग्नेट ये है, और मैग्नेट के अंदर वह साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। यानी कि दो चीज हम लोगों को समझना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। और जब इसको अगर एक साथ आप बनाएंगे तो ये इस तरह से बनता है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये अंदर वाला हिस्सा हो गया, ये क्लोज कर्व बनाता है, बंद, एक बंद कर्व बनाता है, क्लोज कर्व, बंद है पूरी तरह से, इसको क्लोज कर्व कहते हैं। तीसरी बात सब की जरूरत हमको पड़ेगी आगे जब जो जो पॉइंट्स आएगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, एक दूसरे को काटता नहीं है, उसके ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर पूरी तरह बराबर में जा सकता है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेगा तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ पाथ अलोंग व्हिच अ हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक रास्ता होता है जिस रास्ते पर एक काल्पनिक स्वतंत्र नॉर्थ पोल आगे बढ़ता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक मैग्नेट से करोड़ों की संख्या में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। यहां जो फोटो में दिखाई दे रहा है, इस मैग्नेट से हम समझाने के लिए चार ऊपर चार नीचे बनाए हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम इमर्ज मीन्स निकलना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल of a magnet and merge means समा जाना, घुसना। magnetic field lines emerge from north pole of a magnet and merge into south pole। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में समाता है, घुस जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट।
इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ध्यान दो प्रिय बच्चों, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का. यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलता है और इस तरह से घूमते हुए यहां आता है. ये बाहर का डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर. और फिर यहां से ये इस डायरेक्शन में मूव करता है नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ टू नॉर्थ. ये यहां तक आया और ये एक क्लोज कर्व बनाता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेक क्लोज कर्व्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेक क्लोज कर्व्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. Depends on the density of the field lines. Where the density is high, there the strength is more. Where the density of field, the density of field lines is high, there the strength of field is more, and where the density is low, there the strength of field is less. ध्यान दो प्रिय बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फील्ड लाइन के डेंसिटी पर निर्भर करता है. यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आप पोल के नजदीक, ये जो नॉर्थ पोल है, यहां पे फील्ड लाइंस बहुत घने हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा हो. और यहां पर फील्ड लाइंस बहुत घना नहीं है, इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कमजोर होगा. उसके अपेक्षा आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा घने होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा. फील्ड लाइंस
नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन at the point of intersection it will show two directions which is not possible. फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो जिस पॉइंट पे वे क्रॉस करेंगे वहां पर दो डायरेक्शन बताएगा जो कि संभव नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉपिक्स. ऑन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू लॉट.